Shamyam everyone, and welcome to Milpaka Shampam Show, ka show. BP ki SPS, KS. Ustad ji, maine decide kiya hai ki is episode mein, let's have a Q&A session with you about Shampam, your journey and your experience. Koi masla nahi hai. But make sure, no stupid questions. Aajo phir. Okay. Pehla question. Web series 2 kab aa rahi hai? Abhi. ओके क्या ये बात सच है कि वेब सीरीज 1 की प्रोडक्शन में आपके बच्चों की स्कूल की फीसें लग गई हैं, छोटी बहन के जहेज के लिए जो मोटरसाइकिल ली थी वो बिक गई है, बीवी का जेवर बचा है? यार ये क्या क्वेश्चन है यार ये, और नहीं अच्छा, वेब सीरीज 2 में कास्ट चेंज होगी और आर यू गोइंग विद द सेम गाइस? डीडीपान, आपको ये एंग बैंग की कुछ समझ है? नहीं. ओके, अगले आने वाले एपिसोड्स में क्या कप्तान कोई दूसरा एक्सप्रेशन शो करेगा, या वो आपके शो का वन एक्सप्रेशन वाला हुमायूं सईद है? साची कोई तो जवाब दे हो. नहीं डीडी, मेरा ख्याल है कि यार हम स्टूपिड क्वेश्चन ही पूछते हैं. चलें जी फिर दिलाटेगोन, आपने शैंपेन शो बनाया है, कैसा लग रहा है? उल्टा लग रहा है कि सीधा लग रहा है? अच्छा, आप कैसा फील कर रहे हैं? आर यू फीलिंग हंग्री और चेक रिपब्लिक? अच्छा, आपने ड्रामा बनाया है, ये सारी हरकतें की हैं, तो क्या आपको भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है? हैं जी? और डू यू वॉन्ट मी टू स्क्रेप द बैरल्स ऑफ स्टुपिडिटी एंड कम अप विद गोल्डन नगेट्स लाइक आप एक शिप में जा रहे हैं, उस शिप का हादसा हो गया है, उस शिप में 2 लाइफ वेस्ट है जी, आप किसको बचाएंगे? यहाँ किसी को नहीं बचाएंगे, और जो होस्ट ऐसे बकवास सवाल पूछते हैं आप उनकी पुड़पुड़ी पे फेर मारेंगे. आई गेट द पॉइंट, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, वो स्टूपिड क्वेश्चन वाली बात नहीं करनी चाहिए थी. वंस अगेन आई एम सॉरी. हैं जी. ओके उस्ताद जी, लेट्स स्टार्ट एट द बेसिक्स. बेसिक्स से शुरू करते हैं. व्हाट डज द वर्ड शैंपेन मीन? शैंपेन का मतलब क्या है? और व्हाट इज शैंपेन द कॉमेडी सीरीज ऑल अबाउट? शैंपेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सक्सेस, अचीवमेंट, ऑफ हैप्पीनेस. आप जब भी कोई चीज़ हासिल करते हैं या जब आपको कोई कामयाबी मिलती है, छोटी या बड़ी, तब आप कहते हैं शैंपेन. और शैंपेन कॉमेडी सीरीज, ये कहानी है कप्तान की और उसके 3 दोस्तों की, जिसके साथ मिलके वो यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा है. लेकिन उसके ये जो 3 दोस्त हैं, ये हैं कैन जर्क्स, बिकॉज द ओनली थिंग दे कैन डू इज बी जर्क्स. तो इस सीरीज में हमें पता चलेगा कि क्या कप्तान यूट्यूब चैनल बनाने में कामयाब होता है, अगर हाँ तो कैसे इन कैंजर्स के साथ, और अगर नहीं कामयाब होता तो कैंजर्स ने ऐसा क्या किया है कि ये यूट्यूब चैनल नहीं बन सकता. तो ये पता करने के लिए यू हैव टू वॉच शैंपेन. वेरी नाइस उस्ताद जी. अच्छा जी, अगला सवाल. क्योंकि मैं
तुम्हारा पर्सोना हूं, मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है। तुम मूवी सिर्फ सिनेमा में देखते हो और घर पे तुम्हारा सारा टीवी व्यूइंग टाइम जाता है सिटकॉम्स पे और स्टैंड अप कॉमेडी, और तुम्हें बचपन से ही कॉमेडी देखने का बहुत शौक है, तुम्हें कॉमेडी का बहुत शौक है। तुम अमानुल्लाह खान साहब के बहुत बड़े फैन हो, यू हैव सीन, मेरा ख्याल है उनके सारे ड्रामे तुमने देखे। तो यार अब आके कॉमेडी लिखना और प्रोड्यूस करने का आइडिया क्यों आया, ये काम पहले क्यों नहीं किया? हैं जी, अच्छा मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया, इसके दो रीजंस। एक तो ऑब्वियस, अल्लाह की मर्जी। दूसरा मेरा अपना मेंटल ब्लॉक। मुझे ये लगता है या लगता था कि अगर मैंने कॉमेडी को एज ए करियर नहीं सेलेक्ट किया एट ए यंग एज, तो अब मैं बीच में आके इस फील्ड में एंटर नहीं हो सकता। क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए, पहले तो किसी चीज़ को सीखने के लिए, फिर उसको इम्प्रूव करके उसको बेहतरीन तरीके से करने के लिए, आपको उस काम में मेहनत करनी होती है। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड देन यू डेवलप स्लोली एंड ग्रेजुअली एज अ पर्सनली एंड प्रोफेशनली इन दैट फील्ड। तो मुझे ये लगता था कि आई मिस माई अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे इतना ही शौक था तो मुझे ये काम पहले करना चाहिए था। तो लॉजिकली मेरे माइंड में यही ब्लॉक था कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आई एम नॉट ट्रेन माई सेल्फ ऑन दिस। तो इवन इफ आई गिव इट अ गो, और अगर मैं कुछ लिखता भी हूँ, कोई क्यों उस पर भरोसा करेगा? वाई वुड एनी वन बैक इट? वाह जी वाह, बड़े टेक्निकल जवाब दे रहे हो सर जी। अच्छा, तो अगर पहले तो यह काम नहीं शुरू किया, यू डिडंट मेक अ करियर आउट ऑफ इट, तो फीलिंग कब हुई आपको कि हाँ जी ये काम हो सकता है या ये काम अब करना है? क्या वॉज देयर अ पॉइंट इन टाइम जब ये रियलाइज हुआ या वो फीलिंग आ गई, चलो ये करना है? मेरा ये जो फीलिंग वाला मोमेंट था, ये हुआ था ऑन द लास्ट फ्लाइट बैक टू द यूके दैट आई टुक बिफोर द लॉकडाउन। मुझे काम के लिए काफी ट्रेवल करना पड़ता था बिफोर कोविड, इंक्लूडिंग 11 से 12 घंटे वाली फ्लाइट्स। इन फ्लाइट्स में मैं सिर्फ सिटकॉम्स देखता था, और मुझे काफी लोगों ने एक स्पेसिफिक सिटकॉम रेकमेंड किया था जिसकी 2-3 साल बारी नहीं आई। फिर ये जो लास्ट फ्लाइट मैंने ली वापस, इसमें मैंने इस सिटकॉम का एक एपिसोड देखा एंड आई फेल इन लव विद दैट सिटकॉम, और मैंने एक महीने में उसके 14 सीजन्स देख लिए। इस सिटकॉम ने मेरी काफी मदद की टू क्लियर ऑल माई मेंटल ब्लॉक्स, और इस सिटकॉम से मैंने रियलाइज किया कॉमेडी में सबसे जरूरी चीज है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉमेडियन ऑफ द कॉमेडी राइटर। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट डिफाइंस यू एज अ कॉमेडियन और अ कॉमेडी राइटर। तो ये सिटकॉम बना मेरी मोटिवेशन टू स्टार्ट राइटिंग कॉमेडी, और फिर मैंने शैम्पेन लिखना शुरू किया, और वहां पे मुझे एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिली फ्रॉम माई वाइफ। मेरी बीवी ने सिर्फ इस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं किया, शी एक्चुअली हेल्प मी डिवेलप माई मटीरियल एंड फाइंड माई वॉइस। ये भी बहुत जरूरी है फॉर अ कॉमेडियन और अ कॉमेडी राइटर टू नॉट जस्ट हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो डिवेलप योर वॉइस टू आइडेंटिफाई इट। तो आई गॉट मैसिव सपोर्ट फ्रॉम माई वाइफ। सो इन दो चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, I would say that is the feeling moment which resulted in Shampam. और इसीलिए मुझे लगता है कि Shampam में हमने जो कॉमेडी की है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। वाह उस्ताद जी, यार तू तो बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। मैं तो यही तो चवल ही समझदा रहे हैं। चवल से याद आया, ईशान बाबू कह रहे हैं कि एपिसोड का टाइम खत्म, लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दे दी हैं अगले Q&A सेशंस के लिए। विल कंटिन्यू ऑन दैट, और ये एपिसोड हम खत्म करते हैं विद आवर सेगमेंट बिल साइट्स, बिल्पा के इनसाइट्स। तो आज की इनसाइट कॉमेडी रिलेटेड है।
फैसलाबाद को जुक्तों का शहर कहा जाता है। जुक्ते मतलब जोक्स। लेकिन अगर आप उन जुक्तों को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि फैसलाबाद में ज्यादातर लोग या तो पागल है या उनकी शक्ल बहुत बुरी है, क्योंकि फैसलाबाद में हर जुगत ऐसी ही होती है। ओए एडा पागल है, या ओए एडा मुंह इंज है। यार एवरी जोक इज बेस्ड ऑन द लैक ऑफ ब्यूटी एंड और ब्रेन्स। ओके, अगर ऐसी बात नहीं है तो जो ये जुक्ते कर रहा है वो पागल है, और अगर जो जुक्ते कर रहा है वो पागल है तो जो इन जुक्तों पे हंस रहे हैं यार वो कितने बड़े पागल हैं। यार मैं अपनी इनसाइड से खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं। सो आई विल डू द सेम एंड यू डू थिंक अबाउट इट। दिस हैज बीन अ बिल साइट। कमाल है यार, दिलाटून टर्न्ड आउट टू बी एन इंटरेस्टिंग गाय। Hit the subscribe button for more interesting Q&A sessions with it.